कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बागेश्वर धाम जा रहे दर्शनार्थियों का हुआ भीषण एक्सीडेंट, 7 की हुई मृत्यु, 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दरअसल आपको बता दें कि छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों से भरी टैक्सी और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जहां भीषण एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार घटना NH-39 के कदारी के पास की बताई जा रही है, जहां छतरपुर रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर बागेश्वर धाम जा रही टैक्सी और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टैक्सी सवारी पासिंग से 4 गुना ज्यादा लोड थी और बताया यह भी जा रहा है कि टैक्सी वाले ने ही ट्रक में पीछे से टक्कर मारी है। वहीं संभावना यह भी जताई जा रही है कि ट्रक में अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ है। बड़ी घटना और मामले में जानकारी लगने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। संवाददाता जितेंद्र रावत के साथ अनमोल अग्रवाल की रिपोर्ट। ये सुबह के समय एक एक्सीडेंट हुआ है झांसी खजुराहो हाईवे पर, और उसमें ऑटो टैक्सी से कुछ लोग जा रहे थे जिनकी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, और उसमें अभी की स्थिति में 7 लोगों की डेथ हुई है, 5 की ऑन द स्पॉट और 2 लोगों की यहाँ अस्पताल में, और अन्य लोगों का उपचार किया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इलाज उनको दिया जाए। ये ऑटो टैक्सी क्या फिर से दी? ये महोबा रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम तरफ जा रहे थे। इसमें अलग अलग जगह के लोग हैं, बलरामपुर, फर्रुखाबाद और लखनऊ के लोग हैं। एक गाड़ी खड़ी है, एक खड़ी है खजुराहो झांसी हाईवे पर। आज है एक गंभीर दुर्घटना हुई है, 13 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 6 लोग चार लोग की कंडीशन जिसमें गंभीर थी, उनको हम ग्वालियर रेफर कर रहे हैं अधिक उपचार के लिए। सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके अलावा जो मृतक हुए हैं उनको मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता कोष से हम तत्काल आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, और जो हमारे उपचाररत लोग हैं जो घायल हुए हैं उनको भी तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन सबको आगे की जो जनजन समय में मदद मिल सके। सभी के परिजनों को भी सूचना दी जाएगी, सभी के परिजन भी आ रहे हैं, तो आगे की गतिविधियाँ उनके क्रिया करने की ये जितना मेरी बात हुई है अभी ट्रैफिक के अधिकारियों से, और इसके साथ ये जो ऑटो है ये ऑटो महोबा रेलवे स्टेशन से आ रहा है, और उत्तर प्रदेश के पंजीकृत महोबा रेलवे स्टेशन से लोग सीधा पाकिस्तान काम कर रहे हैं, वहाँ पे हाईवे के आज हमारे जो झांसी खजुराहो हाईवे है उस पर एक सुबह दुखद दुर्घटना घटी है, जिसमें एक ऑटो से 13 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 6 लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें से 4 लोगों को उपचार के लिए हम ग्वालियर रेफर कर रहे हैं। जो 7 लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। मुख्यमंत्री जो हमारी आर्थिक सहायता राशि होती है दुर्घटना में, वो राशि इनको तत्काल प्रदाय की जाएगी जो मृत्यु हुई है, और उसके अलावा जो घायल हुए हैं उनको भी सहायता कोष से राशि प्रदाय की जाएगी। उसके लिए प्रकरण बना रहे हैं, आज ही उसको राशि हम प्रदाय कर देंगे। साथ ही उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, ताकि पोस्टमार्टम के बाद जो अंतिम संस्कार की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रारंभ हो सकें। सभी 13 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और जितना मेरी SP साहब से बात हुई है कि ऑटो भी महोबा रेलवे स्टेशन से आ रहा था और यहाँ पे हाईवे पे एक ट्रक से टकरा गया है, उस कारण ये घटना हुई है। सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी यही मिली है कि बागेश्वर धाम जा रहे थे सभी।